चीन अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अब चीन के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि जो देश चीन से पिछले साल तक दोस्ती निभा रहे थे, अब वही सारे देश इस महामारी के फैलने का चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए चीन से हर्जाना मांग रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के नियमों में बदलाव करके चीन की विस्तारवादी नीति को तगड़ा झटका दिया गया है। यहां भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों ने कोरोना के इस दौर में चीन की अन्य देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की मुहिम को बड़ा झटका दिया है। और इसी सिलसिले में ब्रिटेन के सांसदों ने बड़ा कदम उठाते हुए देश में निवेश को लेकर चीन सरकार की मदद करने वाली राजनीतिक हस्तियों व सलाहकारों के खिलाफ जांच करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं चीन ने हाल ही में UK की इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। चीन अब ये सोच रहा था कि भारत के नियमों का बदलाव का असर उस पर ही होगा, हांगकांग पर नहीं होगा, तो ये चीन की सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल चीनी निवेश पर लगाम लगाने के लिए बदले गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम हांगकांग पर भी लागू होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि नई नीति की व्यापारिक तौर पर व्याख्या की जाएगी और चीन व हांगकांग में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि चीनी निवेश का बड़ा हिस्सा हांगकांग के माध्यम से संचालित होता है। जानकारों का मानना है कि चीन इसका फायदा उठा सकता था। हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जो स्वायत्त है। हांगकांग एक देश दो सिस्टम नीति पर काम करता है और यहाँ पर भारत की भी तारीफ करनी होगी कि उसने चीनी निवेश को लेकर सही समय पर कदम उठाया है। यहाँ हम आपको बता दें कि HDFC में 1% शेयर खरीदने के बाद चीन अब वॉल्वो और हैसलब्लाड जैसे प्रमुख ब्रांड को पूरी तरह खरीदने के करीब है। वॉल्वो और हैसलब्लाड में चीनी कंपनियां कई वर्षों से धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही थी। वहीं भारत की तरफ से सही समय पर लिए गए फैसले से चीन की विस्तारवादी नीति को तगड़ा झटका लगा है। सबसे पहले यूरोपीय संघ ने अपने FDA नियमों में बदलाव किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने चीन के बार्गेन हंटिंग को रोकने के लिए विदेशी निवेश पर अंकुश वाले नियम लगाए और इसी की देखा देखी में जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सहित कई अन्य देशों ने इसे साथ ही साथ लागू भी कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई और अन्य देश भी चीनी क्षेत्र में निवेश से बच रहे हैं। वहीं कई देशों की सरकारों ने चीन से अपनी कंपनियों को वापस लेने की मुहिम तक छेड़ डाली है। यहाँ पर अगर चीन ने शुरुआत की है तो दुनिया के देश इसका अंत करेंगे, जो चीन शायद कभी भुला नहीं पाएगा।